जन्मभूमि टाइम्स से मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं वास टीवी। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नवाचार योजना के अंतर्गत कलेक्टर डोमन सिंह ने समस्त शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालयों में पुरानी जमी हुई फाइलों को व्यवस्थित कर साफ सुथरा रखने नवाचार योजना लागू की गई है। महीने के दूसरे शनिवार को समस्त जिले के शासकीय कार्यालयों में शासकीय अधिकारियों द्वारा साफ सफाई अभियान चलाया गया। आज सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जिले के समस्त IAS अधिकारी और समस्त शासकीय कर्मचारी अपने अपने कार्यालय और कार्यालय के आसपास जितने भी कचरे थे उनकी सफाई की गई है। स्वच्छ भारत, स्वच्छ छत्तीसगढ़, स्वच्छ बदलोदा बाजार बनाने के लिए एक पहल की है। अंतर्गत जितने भी शासकीय अशासकीय शासकीय अर्ध शासकीय जो कार्यालय हैं हमारे यहाँ, जैसे सभी शासकीय कार्यालय, सभी पंचायत भवन, सभी स्कूल, सभी आंगनबाड़ी केंद्र और सभी PDS शॉप, सभी और भी जो संस्थाएं हैं, सभी स्थानों पर हम लोगों ने 8 बजे से 10 बजे तक सफाई अभियान चलाया है और हमारे पूरे अधिकारी कर्मचारी और कई स्थानों पर जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और आशा यही है स्वच्छता को महत्व देना, स्वच्छता के कार्य को आगे बढ़ाना, ये हम सभी करना चाहते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि ये योजना को हम लोगों ने पूर्व समय में माननीय कलेक्टर महोदय का बहुत ही अच्छा पहल है जिसके तहत आज जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों, आंगनबाड़ी, स्कूल, जनपद भवन, नगर पालिका भवन, पंचायत भवन और अन्य सभी कार्यालयों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है 8 से 10 के बीच। बहुत ही अच्छी पहल है। इससे जो है हमारे कार्यालय जो अनावश्यक जो कबाड़ सामान पड़े रहते हैं जो भी है वो सब भी दूर हो जाएंगे और एक अच्छा पहल है पूरे जिले में सफाई का, जो लोगों को जागरूक करने के लिए। अभी की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आवाज टीवी। अपने आसपास की खबर प्रसारित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7517560101 पर संपर्क करें। वेब पोर्टल jbtawaz.com लॉगिन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।